हेलो गाइस, हम लेकर आ गए हैं एक और गोल्ड का एनालिसिस। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने जो पोस्ट करी थी उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स मार्क करे हुए थे आपको, मैंने लास्ट वीडियो अगर जिसने देखी होगी, ठीक है, अपलोड करी हुई, आप वहाँ पे रीचेक कर सकते। ठीक है, ये कुछ लेवल बताए थे मैंने गोल्ड के। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताए थे आपको और आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। ठीक है, गोल्ड ने यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उसके बाद। ठीक है, हम देखते जाए तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 15 मिनट में। ठीक है, अभी गोल्ड की पोजीशन आप क्या बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल मार्क कर दिए हैं। गोल्ड अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा डिमांड एरिया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, अपसाइड रिवर्सल ले सकता है। टिल कहाँ तक, जो उसका लास्ट है तो हाई है, ये जहाँ से मेन स्विंग ब्रेक हुआ था यहाँ तक टारगेट मिल सकते हैं आपको इजी 2450 तक। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा था अगर ये इस वीक 280 के लेवल होल्ड रखता तो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली हमें दिख सकती थी 2500 तक और 2800 तक। ठीक है, बट मार्केट ने क्या करा, वहीं से डाउन साइड आ गया 284 के लेवल से और वहां से बहुत अच्छा खासा उसने डाउन साइड की रैली दिखाई। ठीक है, दो बार टेस्ट कराया वहां पे और यहाँ पे सिंपल एक पैटर्न भी बना था, आप देखेंगे इन्वर्टेड पैटर्न बना था यहाँ पे, एम पैटर्न भी कहते हैं जिसको हम, उसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ से और इसका यहाँ पे सेल आया। ठीक है, थोड़ा सा तो इसमें आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब भी मार्केट ब्रेक करता है तो उसमें एक कैंडल देखनी होती है, जैसे अगर डाउन साइड आ रहा है तो आप ग्रीन कैंडल देखनी, तो लास्ट ग्रीन कैंडल इसी एरिया में बनी थी। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से सेल करते तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, मैंने लेवल्स बताए हुए थे अपने टेलीग्राम चैनल में टेक्निकल हेज के। ठीक है, जो उसमें नहीं जुड़ा है वहां से जुड़ जाइए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में तो उसका लिंक है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे से एक अच्छी खासी हमें डिमांड एरिया दिख रहा है, मार्केट ने यहाँ पे टच करके थोड़ा सा अपसाइड लिया है, तो अभी फिर से डब्ल्यू पैटर्न जैसा एक अच्छा खासा दिख रहा है हमें, तो यहाँ से मार्केट अप जा सकता है। थोड़ा हम बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं क्या हो रहा है, तो परफेक्ट। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में भी अच्छा खासा एक सेम पैटर्न बना रहा है अपसाइड के लिए, मार्केट यहाँ पे ब्रेक हुआ, अब ये यहाँ से अपसाइड जा सकते हैं। ये देखिए, ऐसे ही 2 आवर में भी आपको सब दिख रहा होगा कि मार्केट ने लास्ट टाइम जो अपना अकॉर्डिंग टू एसएमसी, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। अब आपको यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अपसाइड के लिए रैली दिखा सकते हैं, यहाँ पे आ गया है अभी, यह तो ये करेगा और यहाँ से अपसाइड करेगा और ये तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ तो आ गया है, चलो ठीक है, यहाँ से आया फिर से नीचे टच करेगा और यहाँ से एक अच्छा खासा पैटर्न दे सकता है। ठीक है, मार्केट जिस तरह से अभी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता तब आपके पास कौन सा लेवल रह जाता है। ठीक है, आपको फिर जो ये लेवल है आपके पास, फिर से आपका सेम लेवल आ जाएगा आपके पास जो 2400 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहां से ये फिर से वापिस मुड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, डेफिनेटली। तो ये है सिंपल गोल्ड का एनालिसिस, और जिस करेंसी का या क्रिप्टो का एनालिसिस आपको चाहिए या इंडिया मार्केट का चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बना दूंगा।